और यही ना मुंह है जो पान खिलाता है, यही मुंह है जूता खिलाता है। उस व्यक्ति के मुंह से इस तरह की बातें, घटिया बात करना, वो लगता है कि बुढ़ापा का असर नीतीश जी के दिमाग पर पड़ गया और नीतीश जी का दिमाग असंतुलित हो गया। संतुलित नहीं है कि वो अब मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा कर दें। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में, मैं आपके साथ रूपम। देखिए, पशुपति पारस जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सर अभी जिस तरह का माहौल जो बना हुआ है, सदन भी नहीं चल रहा है और नीतीश कुमार का जो बयान आया है उस पर आपकी क्या? देखिए, सदन चलना नहीं चलना वो तो वहाँ के जो माननीय विधायक हैं उन पर निर्भर करता है, लेकिन परसों जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो बयान आया है विधानसभा के अंदर में और विधान परिषद के अंदर में, वो बयान बहुत ही निंदनीय बयान है और कोई भी देश का नागरिक इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि हमारी माताएं बहन का अपमान हो, वो भी इस शब्द के साथ अपमान हो जो शब्द बोलने के लायक नहीं है। और ऐसा देश में कहीं भी, देश के इतिहास में आज़ादी के पूर्व भी और आज़ादी के बाद भी, 75 वर्ष हुआ आज़ादी का देश में, कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो समाज के सामाजिक रूप से जो समाज का सेवा करने वाला व्यक्ति है, जो राजनीतिक व्यक्ति है, जो बड़े पद पर आसीन है, उस व्यक्ति के मुंह से इस तरह की बातें, घटिया बात करना, मैं समझता हूं कि बहुत ही निंदनीय बात है। और हमारी तो राय यह है कि एक बचपन में कहावत है कि बच्चा खेल में बीता जवानी, नींद में सोया बुढ़ापा देख कर रोया। वो लगता है कि बुढ़ापा का असर नीतीश जी के दिमाग पर पड़ गया और नीतीश जी का दिमाग असंतुलित हो गया, संतुलित नहीं है। और ये परसों की ही घटना नहीं है, इसके पूर्व भी आप देखे होंगे कई दो तीन तरह की घटनाएं घटी है नीतीश जी के साथ में, कि लगता है कि उनका दिमागी संतुलन बिगड़ गया। इसलिए हमारी सलाह है नीतीश जी से कि वो अब मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा कर दें और वो अपने ही किसी दल के लोगों को, चाहे दलित हो, अति पिछड़ा व्यक्ति हो या कोई भी व्यक्ति हो, उसको मुख्यमंत्री पद पर बना दें और अपने राजनीति से संन्यास ले लें। सर, आपने देखा होगा कि कुछ दिनों पहले की एक तस्वीर आ रही थी कि अशोक चौधरी को मतलब वो लिपट रहे हैं और यही अशोक चौधरी आज सदन के बाहर में आकर एक एनसीईआरटी का बुक लाकर दिखा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि देखिए 10+2 में ही यह पढ़ने के लिए है। नीतीश कुमार बोल दिए तो कौन सी गलत? देखिए, अशोक चौधरी जी को उतना ही नहीं किया, अशोक चौधरी जी के पिताजी का पुण्यतिथि था महावीर बाबू का, उस दिन भी नीतीश जी गए थे तो फूलमाला महावीर बाबू के सब अति मूर्ति पर नहीं चला करके अशोक चौधरी के माथा पर फेंक रहे थे। हाँ, तो नहीं, लगाव नहीं है, मानसिक संतुलन का, ये लगाव का सवाल नहीं है। और अब अशोक चौधरी क्या 10-10+2 की किताब की बात करते हैं, अशोक चौधरी बहुत विद्वान आदमी हो सकते हैं, हम लोग उतना नहीं पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन ये जो बात सदन में जो बात उठी है उस बात को किताब से कोई लेना देना नहीं है। देश के संविधान है, भारत के संविधान में महिलाओं को आदर के साथ हम लोग देखते हैं और इस ढंग की जो बातें हुई है वो पूरा राष्ट्र, पूरा देश शर्मसार हो गया। ठीक है सर, बुक में कहीं लिखी हुई रहती है लेकिन वहाँ पर शिक्षक भी पढ़ाते हैं तो एक लिमिटेशन रहता है, एक बाउंड्री रहता है शब्दों का, तो नीतीश कुमार जी आपको नहीं लगता कि वो? अरे, यही ना मुँह है जो पान खिलाता है, यही मुँह है जूता खिलाता है, दोनों चीज ना है। इसलिए वाणी में संतुलन होना चाहिए और मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो बोला गया है, जो अपशब्द बोला गया है, वो काफी निंदनीय है और इसकी जितनी बुराई करिए वो कम है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हर पार्टी के लोग इस्तीफा की मांग कर रहे हैं और उनका कहना है कि देखिए नीतीश कुमार जी का अब उम्र का तगाजा हो चुका है और अब उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए और बैठ जाना चाहिए। चलिए, आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिए। अभी इतना ही, बने रहे लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।